हाई एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल सो दिस इज़ अ न्यू वीडियो फॉर पी एच डी एडमिशन ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री फॉर आटम सेशन विच हैव बीन रिलीज बाई रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी फ़रीदाबाद सो आर सी बी ने अपने पी एच डी एडमिशन्स रिसेंटली एडवर्टीजमेंट एंड एप्प्लीसन फॉर्म आउट किए हैं इफ़ यू विल विजिट टू देयर ऑफिशियल वेबसाइट तो आपको यहाँ पर एडवर्टीजमेंट और एप्लीकेशन फॉर्म डायरेक्टली मिल जाएगा लास्ट डेट जो सबमिशन का है दैट विल बी ट्वेंटी फाइव दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी टू सो आई विल प्रोवाइड द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स यहाँ से आप डिटेल में देख एप्लीकेशन फॉर्म और एडवर्टीजमेंट दोनों को देख सकते हैं सो so अगर हम इनका नोटिफिकेशन uh, की बात करें तो यहाँ पे ये जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है इट विल बी फॉर ऑटम सेशन ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री सो एज़ यू नो दैट आर सी बी इज़ अ इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस क्रिएटेड बाई द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड इट इज इस्टैब्लिड अंडर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सो डी बी टी के अंदर हमारा आर सी बी आता है उसके बाद यहाँ पे इन्होंने अपना बेसिक इंफॉर्मेशन दिया है देन अगर हम पी एच डी की बात करें सो देंटर ऑफर्स द डॉक्टर प्रोग्राम लीडिंग टू द अवार्ड ऑफ पी एच डी डिग्री टू स्टूडेंट होल्डिंग पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी फील्ड ऑफ साइंस लाइक मेडिशन टेक्नोलॉजी एंड साइंस मेडिसन एंड टेक्नोलॉजी अगर आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन साइंस की किसी स्ट्रीम में किया है या मेडिसिन में या टेक्नोलॉजी फील्ड में किया है सो यू कैन अप्लाई देयर सो द सेलेक्टेड स्टूडेंट अंडर गो अ कोर्स वर्क फॉलोड बाई रिसर्च लीडिंग टू द डॉक्टोर ऑल थीसेस अंड द मैंटरशिप ऑफ अ फैकल्टी सो जैसे कि अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है तो फर्स्ट आपको अपना कोर्स वर्क कम्प्लीट करना होगा कुछ क्रेडिट का देन यू विल भी डूइंग पी एच डी अंडर अ पर्टिकुलर एडवाइजर जहाँ पे उनके अंडर आपको अपनी पी एच डी थीसेस कम्प्लीट रिसर्च कम्प्लीट करनी होगी

से जो रिसर्च प्रोग्राम है आर में चल रहे हैं तो आप उनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं जैसे ये इनकी वेबसाइट है यहाँ पे आप रिसर्च एरियाज़ में जाके अंडर अ पर्टिकुलर साइंटिस्ट कौन कौन सा वर्क चल रहा है तो वो इन डिटेल आप देख सकते हैं तो यू कैन विजिट टू ऑफिशियल वेबसाइट वहाँ पे कौन से साइंटिस्ट के अंडर कौन सा वर्क चल रहा है यू कैन सी और इन डिटेल आपको इन uh, डिटेल आपको पता चल पाएगा कि वहाँ पे कैसा वर्क है और आपकी एरिया से वो मैच कर रहा है कि नहीं अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें सो so जो क्वालिफिकेशन है दैट विल बी एम एस सी एम टेक इन एनी ब्रांचेज ऑफ साइंस केमिस्ट्री फिजिक्स एम फार्मा एम बी एस सी एम बी बी एस और एनी इक्वेलन डिग्री सो यू मस्ट हैव अ पोस्ट ग्रेजुएशन जो कुछ भी हो सकता है एम एस सी हो सकता है एम टेक हो सकता है और ये लाइफ साइंस केमिस्ट्री फिज़िक्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर हम बात करें तो इट शुड सिक्सटी परसेंट एग्रीगेट स्कोर सो क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे सिक्सटी परसेंट है और रिलैक्सेशन है फॉर एस टी एस टी ओ बी सी कैंडिडेट के लिए फ़ाइव परसेंट का अगर हम नंबर ऑफ़ सीट्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ जो पी एच डी एडमिशन सीट है वो ट्वेंटी हैं और इन एडिशन टू द अब क्वालिफिकेशन मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ साथ आपके पास एक वैलिड फेलोशिप होनी चाहिए इट कैन बी फ्रॉम सी एस आई आर जे आर एफ यू जी सी जे आर एफ डी एस टी इंस्पायर डी बी टी जे आर एफ आई सी एम आर जे आर एफ और एनी अदर कॉम्पिटेटिव फेलोशिप ऑफर्ड बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैविंग अ वैलिड फेलोशिप फ़ॉर अ पीरियड ऑफ फाइव ईयर्स मीन्स आपके पास फाइव ईयर्स के लिए कोई भी फेलोशिप होनी चाहिए अगर आपके पास ये फेलोशिप नहीं है तो उसके अलावा अगर आपके पास कोई एडिशनल फेलोशिप है यू कैन ऑल्सो अप्लाई सलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा वो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है एंड देन आफ्टर दैट 500 फ़ी है जनरल के लिए और एस टी एस टी पी डब्ल्यू डी एंड ई डब्ल्यू एस के लिए यहाँ पे कोई फ़ी है नहीं आपको एप्लीकेशन फिल करना है उसके बाद स्टूटनिंग होगी आपकी एप्लीकेशन की और आपको रिटर्न टेस्ट या इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा दैट विल बी हेल्ड ऑन सेवनटीन टू एटीन फरवरी सॉरी एटीन जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री एट आर सी बी फरीदाबाद तो ये इंटरव्यू और रिटर्न टेस्ट कुछ भी हो सकता है ये वहीं पे होगा आपका आर सी बी फरीदाबाद में उसके बाद फेलोशिप की यहाँ पे जो बात है वो आपके पास फेलोशिप होनी चाहिए क्योंकि आर से आपको कोई फाइनेंशियल असिस्टेंट नहीं मिलेगा और इन डिटेल यहाँ पे इन्होंने फ़ीस भी दे के रखी है सो so इनकी लैब फीस अराउंड सिक्स थाउजेंड पर सेमेस्टर है ट्यूशन फीस जो है सिक्स थाउजेंड पर सेमेस्टर है फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर के लिए एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन फ़ीस यहाँ पे फाइव है मेडिकल फ़ीस थ्री स्टूडेंट अदर फीस थाउजेंड एंड कौशन मनी फ़ाइव थाउजेंड जो आपको रिफंडेबल होती है थीसिस के टाइम पर जब आप अपनी रिसर्च को सबमिट करेंगे दैट टाइम यू हैव टू सबमिट टेन थाउजेंड रुपीज़ और हॉस्टल और सिक्योरिटी चार्जेज जो है एप्लीकेबल होंगे इफ़ यू विल अवेल द हॉस्टल फैसलिटी सो और आपको ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉम फिल करना है और यहाँ पर लास्ट डेट ट्वेंटी फाइव दिसम्बर है अगर आपको कोई भी क्वारी है